चैनल अनविद्या। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ सबका फेवरेट डिलीशियस केक। केक एकदम स्पॉन्जी बना है। बर्थडे हो या एनिवर्सरी, आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने घर पर केक बहुत ही आसानी से बना पाओगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि केक को एकदम स्पॉन्जी कैसे बनाएं, इसलिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं केक बनाना। केक बनाने के लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, 1/2 कप पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून बटर, 1/2 कप दही, 1/4 चम्मच वेनिला एसेंस, 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। ये ऐसे पैकेट्स में आता है और बेकिंग पाउडर ऐसे डिब्बे में मिलता है, आप इसे किसी भी ग्रॉसरी शॉप से ले सकते हैं। केक का बैटर बनाने से पहले हम एक मोटे तले का पतीला लेंगे, ये तो हम सबके घर में होता ही है। इसमें आपको नमक रेत कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस अब आप इसमें इस तरह का स्टैंड रख दें। ये इजली बर्तन वाले की दुकान से मिल जाता है। यदि आपके पास ये नहीं है तो आप गैस चूल्हे के 3 स्टैंड्स में से एक छोटे वाले स्टैंड को रख सकते हैं, और अगर आपके पास स्टैंड भी नहीं है तो आप घर में इस तरह का कोई भी डिब्बा या बर्तन लीजिए, बस वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। इस बर्तन को ऐसे उल्टा रख दें और इसके ऊपर केक के बर्तन को ऐसे रख दीजिए और ढककर इसे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए प्रीहीट कर लीजिए। पहले से प्रीहीट करने से केक कम समय में आसानी से बन जाता है। जब तक ये प्रीहीट हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं। बैटर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में पिसी हुई चीनी, दही और बटर डालकर इसे अच्छे से मिला लें और थोड़ा फेंट लें ताकि पिसी हुई चीनी बटर और दही में अच्छे से घुल जाए। बटर की जगह आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर ध्यान रहे पीनट ऑयल, कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल यूज़ ना करें। अब इसमें अच्छे फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें मैदे को डाल देते हैं। ध्यान रहे मैदे को इसमें छानकर ही डालें। छानकर डालने से मिश्रण काफ़ी हल्का बनता है और बेकिंग के समय केक अच्छे से फूलता है। अब मैदे को इसमें अच्छे से मिला लें। ये देखिए, ये काफ़ी अभी गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। आप पानी की जगह इसमें दूध भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1/4 कप पानी यूज़ किया है। पानी मैंने नॉर्मल ही लिया है, ना गर्म ना ठंडा। ये देखिए, इसका स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गया है। अब आप एक स्पून लीजिए, इसमें 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दें और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। अब इन दोनों को इसमें अच्छे से मिला लें, पर ध्यान रहे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद आप इसे ज़्यादा फेंटे नहीं, बस हल्के हाथ से विस्कर को चलाएं और दोनों को इसमें अच्छे से मिला लें। इससे केक बहुत ही अच्छे से फूलता है। अब बैटर बनकर तैयार है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब केक के टीन या मोल्ड में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लें और इसमें एक बटर पेपर रख दें और इसके ऊपर भी ऑयल लगा दें। बटर पेपर इजली स्टेशनरी शॉप से मिल जाता है। ये देखिए, मैंने बटर पेपर को केक मोल्ड के अकॉर्डिंग ही कट कर लिया था। बटर पेपर लगाने से केक बेक होने के बाद आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। अब ज़्यादा देर ना करते हुए इसमें बैटर को डाल दें और इसे थोड़ा टैप कर लें ताकि इसमें यदि कोई एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। अब देखिए, ये पतीला या भगोना अच्छे से प्रीहीट हो गया है। अब केक के डिब्बे को पतीले के बीच में रख दें और इसे ढककर 35 से 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक होने देना। अब एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच पानी लेना और इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डालकर इसे अच्छे से मिला लें। ये लीजिए, हमारा शुगर सिरप बनकर तैयार है। लास्ट
लगभग 40 मिनट हो गए हैं। अब चाकू या टूथपिक को इसमें डालकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इस पर बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपका, इसका मतलब केक अच्छे से बेक हुआ है। ये देखिए, केक ने डिब्बे की साइड्स को भी छोड़ दिया है। यदि चाकू या टूथपिक पर बैटर चिपके तो आप इसे 5-10 मिनट और बेक कर लें। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे बिना ढक्कन लगाए थोड़ा ठंडा होने देंगे। केक थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। अब इसे एक प्लेट पर निकाल लीजिए। बटर पेपर के कारण ये इजली बाहर आ गया है। अब इसके ऊपर हमने जो बटर पेपर लगाया था उसे उतार दें। ये देखिए केक कितना स्पॉन्जी बना है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये कितना स्पॉन्जी बना है। अब हम इस पर शुगर सिरप लगा देते हैं। शुगर सिरप को आप केक के ऊपर अच्छे से लगा दें और अब इस पर चॉकलेट सॉस को इस तरह से डाल दें और स्पैचुला या चाकू से चॉकलेट सॉस को अच्छे से इस पर चारों तरफ फैलाकर इसे इस तरह से कवर कर दें। अब एक पाइपिंग बैग लें और इसे इस तरह से आगे से काट लें और एक कोई भी डिज़ाइन की नोज़ल लें और उसे इसमें ऐसे डालकर आगे की तरफ को कर दें। अब इसमें व्हिप्ड क्रीम को भर लेते हैं। और पाइपिंग बैग को इस तरह से उठाइए और क्रीम को नोजल की तरफ कीजिए और ये हमारा क्रीम से भरा हुआ पाइपिंग बैग बनकर तैयार है। अब आप इस पाइपिंग बैग से केक के ऊपर मनचाहे डिज़ाइन बना सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम और चॉकलेट सॉस की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। ऐसे ही हम नीचे केक की साइड्स पर भी डिज़ाइन बना लेते हैं। अब हम इस पर छोटी छोटी सिल्वर बॉल्स को डाल देते हैं। ये सिल्वर बॉल्स भी बेकरी शॉप से इजली मिल जाती हैं। ये लीजिए, हमारा डिलीशियस यमी केक बनकर तैयार है। ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कितना स्पॉन्जी बना है और मैंने इसे प्लास्टिक के चाकू से ही काट कर दिखाया है आपको। ये देखिए कितना स्पॉन्जी लग रहा है। ये खाने में जितना टेस्टी है, इसे बनाना भी उतना ही इजी है, तो फिर आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। यदि आपको मेरी डिलीशियस केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इस रेसिपी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और बेल आइकन में ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।